Sri Ram friends. Jai Sri Ram. So, Prabhuji, आज राम कथा का कौन सा प्रसंग सुना रहे हैं आप? मैं आपको अयोध्या कांड में से कुछ बात बताना चाहता हूँ, जिसे आपको पता नहीं होगा कि प्रभु के वन जाने के कई कारण हैं। मैं सारे कारण तो नहीं उठाऊंगा, दो तीन आपको कारण बता देता हूँ कि पहला कारण क्या था प्रभु के वन जाने का। दशरथ जब वशिष्ठ जी के पास जाते हैं और कहते हैं कि प्रभु मेरी एक ही अभिलाषा रह गई है, मैं प्रभु का राज्याभिषेक देखना चाहता हूँ और सारी लालसा पूरी हो गई, इसके बाद मुझे कोई परवानी शरीर रहे या चला जाए। तो प्रभु ने सोचा कि हर वक्त मैं जीव की इच्छा पूरी करते आए हूँ, उसकी तो अभिलाषा कभी पूरी होती नहीं। अगर ये अभिलाषा मानो मैंने पूरी कर दी, फिर उसके बाद कहते एक अभिलाषा और है कि उसके बाद कुछ नहीं है। एक काम करता हूँ, उसकी अभिलाषा को नष्ट करने के लिए मैं प्रतिकूलता लेता हूँ। जी प्रयास करेगा, असफल होगा तो वैराग्यपूर्ण होगा। एक काम करता हूँ, मैं वन जाता हूँ, वन जाने से क्या होएगा, इनकी अभिलाषा में पानी फैल जाएगा और इनके अंदर वैराग्य उत्पन्न होएगा। एक कारण ये था। तो प्रभु जी, आई थिंक जो आप कह रहे हैं कि प्रतिकूलता भगवान ने डाल दी, तो क्या इसका ये मतलब लेना चाहिए कि कई बार ईश्वर की कृपा ये भी होती है कि हमें डिफिकल्ट टाइम्स में डाल दिया जाए, ताकि जो हमारा दुनियादारी को लेके मोह और ममता बढ़ गई है, वहाँ से हमें डिटैचमेंट आए और हमें भगवान की तरफ हमारा ध्यान ज़्यादा लग जाए, यानी कि डिफिकल्ट टाइम्स भी भगवान की कृपा हो सकते हैं। यस, क्योंकि आपके आंखों से मौके पट्टी उतरती है, आपको सच्चाई दिखाई देती शुरू होती है ना। क्योंकि आमतौर पर लोग यही सोचते हैं ना कि सुख कृपा है और दुख जो है हमारा बुरा समय है, बट इस बात से मुझे ये समझ आया कि अच्छी दुख भी बहुत बड़ी कृपा है भगवान की, क्योंकि वो हमें ईश्वर के नज़दीक लगी जाती है। तो और क्या कारण था उनका बन जाने का? प्रभु के जाने का एक कारण ये भी है कि जब कहके नरेश ने कहके के विवाह दशरथ जी से किया था, तो उन्होंने ये वर मांगा था कि कहके के द्वारा उत्पन्न किए हुए पुत्र को ही गद्दी प्राप्त होनी चाहिए, क्योंकि उनको सुमित्रा और कौशल से संतान उत्पन्न नहीं थी, उन्होंने वचन भी दे दिया और बाद में तो सबके द्वारा संतान उत्पन्न हुई है। इस बात को भरत जी जानते हैं। अब विवाह हो गया है, अब आनी समस्या राज्याभिषेक की, युवराज किसको बनाया जाए। तो एक काम करता हूँ, मैं पहले ही अयोध्या का त्याग करता ननिहाल जाता हूँ। ननिहाल रहने से क्या होगा, जब ये समस्या है राज्याभिषेक की, मैं ननिहाल में वो यहाँ पे आएंगे नहीं और ये समस्या भी रहेगी कि इनको बनाओ, और मेरे दूर रहने से लोग मुझे भूल जाएंगे और केवल राम की महिमा प्रकाशित होगी, सब चाहेंगे राम ही गद्दी पे बैठे। तो हमारे प्रभु ने सोचा मेरा भक्त मेरी महिमा को प्रकाशित करने के लिए अयोध्या का त्याग करता है, तो मैं भी भक्त की महिमा को प्रकाशित करने के लिए अयोध्या का त्याग करूंगा। तो अगर प्रभु से पूछा जाए, और ये कई बार आगे लिखा भी है, मैं तो केवल संसार में प्रेम किसे कहते हैं वही प्रकाशित करने के लिए, प्रभु के शब्द है, खुद बोले गए अयोध्या कांड में, आप पढ़ी आगे ये लिखा है वहाँ पे कि मैं केवल प्रेम प्रकट करने के लिए गया था। तो इससे तो बहुत ही अच्छी बात हमें सीखने को मिलती है कि जैसे भरत जी भगवान से बहुत प्रेम करते थे, तो प्रेम का एक मतलब ये भी है कि सेक्रीफाइस, एक त्याग, मतलब वो अपना कंफर्ट नहीं देख रहे थे, वो ये सोच रहे थे कि अगर मैं वहाँ से दूर चला जाता हूँ तो किसी तरह से भगवान राम को राज मिल जाए। तो ये तो भक्त का पर्सपेक्टिव हो गया, अच्छे भक्त का। ये तो दुनियादारी में भक्ति को तो ज़्यादातर लोग बिजनेस मान लेते हैं ना कि मैं पूजा करूँ तो मुझे ये दे दे भगवान, लेकिन लगता है कि वास्तविक भक्ति का अर्थ ये हुआ कि हम भगवान को कैसे खुश करें। और भरत जी ने जब ऐसा किया तो देखिए भगवान की भक्ति, वो कहते हैं कि जो ईश्वर होते हैं वो खाली उनकी भक्ति से नियंत्रित होते हैं, वो भक्तों को बहुत प्यार करते हैं, और भगवान कई बार इस तरह की सिचुएशंस डालते हैं ताकि उनका जो भक्त है वो फेमस हो सके, उसका नाम हो संसार में। तो वो चाहते थे कि भरत की जो प्रेम है भगवान को वो पूरे संसार को पता चले, तो इसलिए वो आई थिंक अयोध्या का त्याग करके गए। ये तो मुझे बिल्कुल नहीं पता था। और भी कई कारण है उनका छोड़ने का? कारण कई हैं, उनसे एक और मैं आपको बताता हूँ, ऐसे तो बहुत से कारण हैं, मैं एक कारण बताता हूँ। प्रभु जीव को उसका राजा लौटा दे रहे हैं, जीव कौन है, विभीषण, उसके ऊपर मोह रूपी रावण शासन कर रहा है, अपने भाई कुंभकर्ण अहंकार के साथ, पुत्र मेघनाथ कामनाओं के साथ, बहन शुद्धा आसक्ति के साथ, खर दूषण दोष देखने के प्रति और अन्य दुर्गुण और दुर्विचारों के साथ वो शासन कर रहा है। तो प्रभु कहते जी राम राम तो करता है लेकिन मेरी शरण में आता नहीं है। तो कहते आप उसके ऊपर कृपा कर, कहते राम राज्य कब होएगा,
जब सारी बुराइयों का नाश होगा, मोह का परिभाषित मोह का नाश होगा, तभी तो राम राज्य होगा। कहते चल तू नहीं आ सकता तो मैं तो तेरे पास आ सकता हूँ, हमारे प्रभु इतने दयालु हैं। कहते अगर रोगी को चलने में असमर्थ है, मैं तो रहते तो रोगी के पास जाता, वो स्वयं जाती हैं रोगी के पास क्योंकि नाम जपता है और जाके रावण का नाश करते हैं, उसके बाद राम राज्य की स्थापना होती है। ये जब तक जीवन में मोह परिभाषित है तब तक राम राज्य नहीं हो सकता, जब मोह का नाश होगा तभी राम राज्य होगा और ये तभी संभव है कि जीव हरि नाम करेगा तभी प्रभु आएंगे। अगर आप जाओगे प्रभु आपके पास आ जाएंगे। आप कह रहे हैं कि जैसे विभीषण है इसमें एक सिंबल है वो रिप्रेजेंट करता है एक आत्मा को, सोल को, जो कि भक्ति तो कर रहा है, बिकॉज विभीषण जी राम राम तो पहले भी करते थे, लेकिन वो अलग अलग तरह की नेगेटिविटी से घिरा है, चाहे वो मोह हो, चाहे वो ममता हो, चाहे वो अहंकार हो। और अगर कोई भगवान का नाम जाप करता रहेगा तो वो अगर भगवान की तरफ नहीं भी बढ़ पा रहा है तो भगवान ही कदम बढ़ा लेंगे उसकी तरफ, उसको हेल्प करने के लिए। जैसे वो अयोध्या छोड़ के रावण की नगरी में आए और विभीषण जी के आसपास की जितने भी दुश्मन थे, जो वैसे तो उसका परिवार था, कहीं ना कहीं जब हम नेगेटिविटी में घिरे होते हैं तो वो नेगेटिव क्वालिटीज भी हमें अपनी ही लगती हैं, लेकिन जब भगवान ने विभीषण के भी जीवन में प्रतिकूलता आई, रावण ने उसको घर से निकाल दिया, तो देखने से तो दुनियादारी की भाषा से उसको काफ़ी दुख आ रहा था, लेकिन उसकी वजह से वो भगवान की शरण में आया। तो वैसे ही फ्रेंड्स मुझे तो इससे यही समझ आ रहा है कि जितना जल्दी हम भगवान की शरण में आने की कोशिश करेंगे, अगर आप एक कदम भगवान की तरफ बढ़ाते हैं तो भगवान भी आपकी तरफ 10 कदम या 100 कदम बढ़ाएंगे और आप भी नेगेटिविटी से फ्री होके मुक्ति के रास्ते में आगे बढ़ सकते हो। जय श्री राम।